62,000 रुपये की कीमत में आने वाली आज हमारे सामने खड़ी है जूलियो की ये स्कूटर। ये आप देख सकते हैं, ये इंडियन ब्रांड है और भारत में ही इसका निर्माण किया है। फ्रंट का आप लुक देखेंगे तो आपको एकदम ही हैवी और बल्कि लुक डिज़ाइन देखने पर लगेगा। ग्राफिक्स वगैरह बहुत ज़्यादा हटके होने वाला है। साथ में जो खास चीज़ है इस स्कूटर की वो बनाती है, इसको आपको RTO पास नहीं होना पड़ेगा। ये जो स्कूटर है इसको आप नॉर्मली चला सकते हैं। साथ में 80 किलोमीटर की रेंज क्लेम करती है कंपनी। साथ में बड़े और चौड़े टायर फ्रंट में देखने के लिए मिल जाएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर X-Men की यहाँ पर बैचिंग होने वाली है, क्योंकि ये जूलियो की X-Men है। सामने का फ्रंट का लुक देखेंगे तो DRL और लाइट्स LED में देखने के लिए मिलेंगी। यहाँ पर मैटी डिज़ाइन होने वाली है। साथ में यहाँ पर आपको कुछ स्पेस भी देखने के लिए मिल जाएगा। साथ में जब आप देखेंगे चाबी, तो चाबी को जिस तरीके से आपको देखने पर मिलेगी। साथ में जब आप इसका मीटर ऑन करेंगे तो देखो मीटर में भी आपको काफ़ी सारे फंक्शन देखने के लिए मिल जाएंगे। फुल्ली डिजिटल में मीटर होने वाला है। साथ में इस तरफ देखेंगे तो आपको यहाँ पर बटन्स वगैरह देखने के लिए मिल जाएंगे और इस तरफ में आपकी लाइट्स ऑन हो जाएंगी। यहाँ से आपके टर्न ऑन इंडिकेटर्स वगैरह हैं, रिवर्स मोड और ये सारे ही मोड्स यहाँ पर आपके यहाँ से डल जाएंगे। साथ में यहाँ पर चार्जिंग का सॉकेट है, तो आप अपना मोबाइल भी यहाँ पर चार्जिंग के सॉकेट की मदद से चार्ज कर सकते हैं। साथ में अगर आपको घर का काम करना है या कमर्शियल पर्पज़ से भी ले रहे हैं तो देखो फ्रंट में आपको इतना स्पेस देखने के लिए मिलता है कि इसमें आसानी से एक सिलेंडर आप यहाँ पर रख के ले जा सकते हैं। इस तरफ में आपको हुक देखने के लिए मिल जाएगा और यहाँ पर देखो ये गाड़ी का चार्जर है, तो यहाँ से आप गाड़ी चार्ज कर सकते हैं। साथ में यहाँ पर कंफर्टेबल होने वाली है, जो सीट है वो आरामदायक होने वाली। एक बार हम आपको डिग्गी दिखा देते हैं तो देखो बड़ा बूट स्पेस होने वाला है और ये जो सीट है वो पूरी ही यहाँ एंड तक खुल जाएगी। साथ में जब आप स्पेस देखेंगे तो देखो स्पेस काफ़ी बड़ा है, काफ़ी सारा आप सामान रख सकते हैं। साथ में यहाँ पर होने वाली है एक रिमूवल बैटरी, तो इसको आप खोल के और जो बैटरी है उसको, दो बैटरी हैं इनको आप रिमूव करके और सीधा ले जा सकते हैं, यानी कि चार्ज कर सकते हैं। और बैटरी की जो रेंज है वो होने वाली है लगभग 80 किलोमीटर तक की आपकी चल जाएगी। साथ में जब हम टॉप स्पीड की बात करते हैं इसकी, तो 50 किलोमीटर होने वाली, क्योंकि ये RTO पास नहीं है। तो अभी इसकी जब आप कंपनी से लेंगे तो 25 से 30 किलोमीटर कंपनी बोलेगी, लेकिन 50 किलोमीटर तक चल जाएगी। लुक्स देखिए, रियर में आपको LED में टेल लाइट देखने के लिए मिल जाएंगी, LED में टर्न ऑन इंडिकेटर्स होने वाले हैं। साथ में साइड पैनल पर यहाँ पर X-Men 2.0 की बैचिंग होने वाली है। और यहाँ नीचे जब आप देखेंगे तो यहाँ पर सस्पेंशंस को जिस तरीके से देखने पर मिलेंगे, साथ में यहाँ पर टायर चौड़े देखने के लिए मिल जाएंगे। फ्रंट और रियर दोनों में ही आपको डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाएगी। साथ में यहाँ पर जब आप देखेंगे तो देखो ये जो टायर है ये 12 इंची का टायर होने वाला है, 120, 80 और 12 इंची का टायर। रिफ्लेक्टर्स वगैरह लगे हैं, ग्रैब रेल्स यहाँ पर कुछ इस तरीके से सिंगल में ग्रैब रेल्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। और लुक्स बढ़िया होने के साथ साथ जब हम रेंज की बात करते हैं तो 80 किलोमीटर और साथ में 62,000 रुपये की कीमत में आने वाली एक इनका मॉडल यहाँ पर भी खड़ा है, मतलब दोनों ही मॉडल वेरियंट आज हमारे सामने खड़े हैं। और सीट हाइट वगैरह की बात कर लें तो यहाँ पर 765 mm की सीट हाइट और 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस होने वाला है। यहाँ से जब आप देखेंगे तो यहाँ से जो स्टैंड है इसमें, मेन स्टैंड, साइड स्टैंड, ये दोनों ही स्टैंड इसमें आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, यानी कि लुक वाइज काफ़ी बढ़िया है। और साथ में यहाँ पर देखेंगे तो देखो कॉम्बो ब्रेकिंग सिस्टम को भी सपोर्ट करती है। यहाँ पर ब्रेकिंग का पूरा सिस्टम लगा हुआ है और इस तरफ में पूरे ही इसके बटन्स वगैरह लगे हैं। चाबी की जब हम बात करते हैं तो कुछ इस तरीके से आपको इसमें चाबियाँ देखने के लिए मिल जाएंगी। यहाँ पर आप देखो लॉक अनलॉक हो जाएगी, यहाँ से आपकी मैनुअली चाबी की मदद से भी आप इसको चला सकते हैं। तो ये चीज़ें साथियों, मेन चीज़ क्या है कि कमर्शियल और नॉर्मल आप घर के पर्पज़ से भी ले रहे हैं तब भी आपके लिए कहीं ना कहीं बेस्ट गाड़ी हो सकती है जूलियो कंपनी की ये गाड़ी होने वाली है। साथियों यहाँ पर देखो फ्यूचर इस इलेक्ट्रॉनिक इस तरीके से यहाँ पर बेचे होने वाली है। साथ में नीचे में आपको जो बैटरी का कंपार्टमेंट है वो यहाँ से नीचे तक भी दिखाई दे जाएगा। साथ में जो मोटर है वो आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक बड़ी मोटर यहाँ पर यूज़ किया है, टायर वगैरह आप देख सकते हैं, यानी कि गाड़ी जो है वो कहीं ना कहीं बेस्ट आपके लिए हो सकती है। एक और मॉडल जो इनका है वो भी ये आपके सामने खड़ा है, यानी कि लुक वाइज जो गाड़ी है वो कहीं ना कहीं आपको देखने पर काफ़ी बढ़िया लगेगी। साथ में कंफर्टेबल होने वाली डिज़ाइन गाड़ी की कैसी लग रही है आपको कमेंट में बताइए कि आपको भी ये स्कूटर पसंद आ रहा है। ऑटो एक्सपो में हमें थोड़ा सा हटके लगा तो हमने सोचा हम आपको क्यों ना दिखा दें ये जूलियो का स्कूटर जो ग्रेटर नोएडा के ऑटो एक्सपो EV एक्सपो में आया है। तो हमें थोड़ा सा हटके लग रहा था तो हमें लगा आपको दिखाना चाहिए, इसलिए हमने आपको दिखा दिया। बिल्ट क्वालिटी बहुत ज़्यादा हैवी लग रही है और जो खास चीज़ है वो बनाती है कि ये जो गाड़ी है इसको आपको केवल RTO में पास नहीं कराना पड़ेगा, केवल आप इसको डायरेक्ट ही लेके जा सकते हैं। कोई RTO वाला झंझट नहीं है, कोई नंबर प्लेट वाला झंझट इसमें नहीं है। 2 साल की कंपनी वारंटी देती है। यहाँ पर Z की बैचिंग होने वाली है, मैट फिनिश और रेड फिनिश, ये 2 फिनिश में गाड़ी आने वाली है। खैर आपका क्या कहना है इस स्कूटर को लेकर मित्रों, क्या आपको ये स्कूटर पसंद आ रहा है या फिर आपको कोई और ही भी स्कूटर पसंद है कमेंट में बताना बिल्कुल भी ना भूलिए। मित्रों वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।